कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अंधेरी रात में उसकी पहले अस्मत लूटी गई, फिर मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से पूरा देश सदमे में है। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, देश इंसाफ की मांग कर रहा है। ऐसे में घटना के चार दिन बीत जाने के बाद टीएमसी की महिला सांसद ने अपनी चुप्पी तोड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं संसद में सबसे वोकल दिखने वाली नेता महुआ मोइत्रा की। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीते दिन ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये को देखकर उन्हें फटकार लगाई थी और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। ऐसे माहौल में सत्ताधारी दल की ऐसी सांसद जो हर मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद रखती हैं, अपने ही राज्य की ऐसी विभत्स घटना पर चुप रही और चार दिन बाद एक ट्वीट किया। महुआ का इतने दिनों बाद ट्वीट करना यूजर्स को बिखल गया और एक्स पर ही लोगों ने उनकी क्लास लगा दी। खैर, पहले आपको बता दें हैं कि महुआ ने अपने ट्वीट में क्या लिखा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोइत्रा ने मंगलवार को लिखा, आर्जिकर में हुए भयानक अपराध ने हमें अंदर तक झकझोर दिया है। किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जांच तेज और पारदर्शी होनी चाहिए। विचार, प्रार्थना और एकजुटता। घटना के चार दिन बाद महुआ का ट्वीट आने पर यूजर्स ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। यूजर्स जब अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे तो ऐसे कई अकाउंट्स रहे जिन्हें महुआ ने ब्लॉक कर दिया। महुआ ने एक और ट्वीट कर उन्हें भेजे जा रहे मैसेजेस और ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें यूजर्स ने काफी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया हुआ था। खैर, आपको यहाँ एक बार फिर बता दें कि इस पूरे केस में ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस भी सवालों के घेरे में है। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार को ही ममता सरकार को फटकार लगाई थी। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बनाया जा सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो यहां तक पूछ दिया कि आखिर ममता सरकार उन्हें प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। वहीं अब इस पूरे मामले में गैंग रेप की आशंका भी जताई जा रही है। आरजे मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कोलकाता पुलिस के शुरुआती दावों का खंडन किया है, जिसमें पुलिस का कहना था कि अपराध में केवल एक शख्स ही शामिल था। डॉक्टर ने कहा कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशानों से पता चलता है कि अपराध में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। साथ ही पोस्टमार्टम में पीड़िता के शरीर में 150 मिलीग्राम सीमन मिला था। डॉक्टर का कहना था कि पीड़िता के शरीर में पाया गया सीमन एक शख्स का नहीं हो सकता, क्योंकि इस बात की संभावना है कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आते ही कोलकाता पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं।